वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यार रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की एक वीडियो मैंने डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि रैंक होती क्या है मैट्रिक्स की। उस वीडियो को आप जरूर देखो, उससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो तुम्हारे बिल्डअप हो जाएंगे और यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि रैंक निकालनी कैसे है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम आज एक कवर करने वाले हैं डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स हमको मिली है, एक मैट्रिक्स है ए जो कि हमारी 3x3 ऑर्डर की है। ठीक है, तो अब यार डिटरमिनेंट मेथड में हम करते क्या हैं, हम इसका डिटरमिनेंट करेंगे। सबसे पहले चेक इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। ये मैट्रिक्स को सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पे ऑपरेशंस लगाए हैं और वो ऑपरेशंस हमारे ये हैं। ठीक है, अब हम सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। और वो हमको मिल रहा है 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यार देखो अब यहाँ पे आती है काम हमारी डेफिनेशन रैंक की। तो डेफिनेशन में ये था कि एक मैट्रिक्स जिसका एटलीस्ट एक माइनर ना हमारा 0 के बराबर ना हो और जो माइनर 0 के बराबर नहीं है उससे एक ज़्यादा ऑर्डर का माइनर हमारा 0 के बराबर हो, तो जो माइनर 0 के बराबर नहीं है उसका ऑर्डर हमारा रैंक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे को जाते हैं सिंपली ये डिटरमिनेंट हमारा 0 के बराबर नहीं है, जिसका मतलब कि ये जो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है या माइनर है ये हमारा बन गया रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो यार रैंक की डेफिनेशन से तो हमको यहाँ पर रैंक मिल गई है, लेकिन इसको हमको कंफर्म भी करना पड़ता है। तो उसके लिए रीचेक करते हैं कि ये ऐसा ही है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे को देखते हैं कि उसकी मैट्रिक्स का जो 1+ ऑर्डर का है, कहने का मतलब 3+1 जो है हमारा 4, तो यार वो ऑर्डर का हमारे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे को हमारे देखो ऐसा तो कोई ऑर्डर का माइनर ही नहीं बन रहा है 4 ऑर्डर का, क्योंकि मैट्रिक्स ही हमारी 3x3 की है। ठीक है, तो यहाँ पे को हमारी एक वो आता है इंपॉर्टेंट नोट जो कि मैंने समझाया वीडियो में, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यार ज़रूर देखो यार उसको, तब जाके ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे को एक इसका इंपॉर्टेंट नोट था कि यार वो हमारा ये ठीक ही प्रॉपर्टी की एक मैट्रिक्स है जिसके माइनर ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब माइनर ही नहीं है R+1 वाले, तब हमारी जो रैंक होगी वो हमारी 3 से कम होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, ऊपर वाले में हमको मिला था कि रैंक हमारी 3 के बराबर है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। ठीक है, अब इन दोनों से हमको मिल जाता है यार कि रैंक जो है हमारी वो है हमारी 3। तो यार अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिससे हम अच्छे से समझ जाए कि रैंक कैसे निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे को हमको एक मैट्रिक्स मिली है 3x4 ऑर्डर की। ठीक है, तो यार इससे पहले ये समझो कि डिटरमिनेंट मेथड एक्चुअली है क्या। यार डिटरमिनेंट मेथड में हम जो मैट्रिक्स हमको मिलती है उसका हम माइनर्स निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर्स अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि माइनर्स हमारे होते हैं डिटरमिनेंट ही होते हैं, बस हम उसमें करते क्या हैं, जो रोज़ एक रो या एक कॉलम हटा देते हैं मैट्रिक्स से और माइनर बना देते हैं। ठीक है, ऐसी जो जाते हैं जो माइनर्स हैं वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, सेकंड ऑर्डर के होते हैं और थर्ड ऑर्डर के भी होते हैं, डिपेंड करता है कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने हमारे ऑर्डर के माइनर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपली डिटरमिनेंट मेथड में माइनर्स को देखते हैं और जो माइनर हमारा 0 के बराबर नहीं होता है उस माइनर का ऑर्डर हमारी रैंक बन जाती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। तो यार सबसे पहले हम यहाँ पर को चेक कर लेंगे कि 3 ऑर्डर का माइनर क्या है। यहाँ पर हम 3 ऑर्डर का ही क्यों कर रहे हैं ना, इसका रीज़न देखो, जो माइनर्स होते हैं ना
वो होने चाहिए आर बाई आर ऑर्डर के, कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम आर बाई आर ऑर्डर का करेंगे, या तो मतलब थ्री बाई थ्री ऑर्डर का चेक करेंगे। सबसे पहले हम उसके लिए हम सिंपल एक रो को इसकी हटा देंगे, सॉरी कॉलम को हटा देंगे। और इसको चेक करते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या निकल रहा है। तो हमारा थ्री ऑर्डर का माइनर आ जाता है जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स थी हमारी जिसके हम को रैंक निकालनी थी, तो हमने एक माइनर तो प्रूव कर दिया कि वो जीरो आ रहा है। तो ऐसे ही हम बाकी के माइनर देखेंगे ऑर्डर थ्री के, कि वो भी क्या जीरो के बराबर हैं या नहीं है। तो यार हमारे जितने भी इसके थ्री बाई थ्री ऑर्डर के माइनर थे वो सारे के सारे हमारे जाते हैं जीरो आ गए हैं, ठीक है। तो अब हमको जाते हैं इसके सेकेंड ऑर्डर में जाना पड़ेगा कि सेकेंड ऑर्डर के माइनर इसके जीरो हैं या नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर का पहला माइनर हमारा बनता है ये, और इसका हमने जब डिटरमिनेंट चेक करा तो यार ये हमारा जीरो आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड वाले को चेक करते हैं कि सेकंड ऑर्डर का सेकंड माइनर क्या बनता है। इसको हमने चेक करा तो ये हमारा आया जो कि हमको मिला कि नाइन। तो ये हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जिसका मतलब ये जो मैट्रिक्स थी इसकी रैंक होगी हमारी टू। तो यार ऐसे हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया डिटरमिनेंट मेथड से। यार डिटरमिनेंट मेथड का एक ही शॉर्टकमिंग है कि ये जो है इसमें हमको माइनर से चेक करते रहने पड़ेंगे। और यार एक फैक्ट बताऊँ, जो थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स होती है ना उसके नाइन टू बाई टू के माइनर होते हैं, नौ टू बाई टू वाले माइनर होते हैं। अब हमको एक एक माइनर देखना पड़ेगा कि यार कौन सा जीरो है और कौन सा जीरो नहीं है। तो इसकी बस एक यही शॉर्ट कमिंग है कि ये बहुत लेंथी है। तो इसकी एक और मेथड है नॉर्मल फॉर्म, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है। तब तक स्टे होम स्टे सेफ़।